बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज आपको इस वीडियो में द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब का जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन रह गया था उसको हम देखेंगे बुक माँ का वेब पेज आप जिस तरह को किताब पढ़ते हैं आपने यानी दस पंद्रह पेजेस पढ़ लिए तो आपने अब आपको नींद आ रही है तो आप क्या करते हो वहां पे कोई निशानी लगा देते हो ताकि नेक्स्ट टाइम जब बुक खोलो तो आपको पता हो कि आपने इतने पेजेस पढ़ लिए हैं क्योंकि हो सकता है आपको याद ना रहे कि आपने कितने पेजेस पढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं एक बुक मार्क रख देते हैं या उस पर कोई निशानी लगा देते हैं बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी चीज के बारे में सर्च करते हो लाइक कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपने सर्च किया उससे रिलेटेड आपने दस पंद्रह वेबसाइट्स को ब्राउज किया अब दस पंद्रह वेबसाइट्स को आप याद नहीं रख सकते तो उसमें जो आपको सबसे अच्छी लगती है वेबसाइट आप उसे उसे क्या करते हो 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 कर कर लेते उसे अपनी कर लेते फेवरेट्स में ऐड कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड दोबारा सर्च करनी हो तो आपको अगेन सारी वेबसाइट्स को खोलना ना पड़े बल्कि आप डायरेक्ट उस वेबसाइट को जो कि आपने अपने फेवरेट में एड की है उसे वहां से जाके क्या कर सकते हो देख सकते हो वहां से जाके उसे ओपन कर सकते हो वेन वी विजिट सम साइट एंड वी लाइक इट वी कैन सेव इट

बुक मार्क की जगह फेवरेट को फेवरेट का वर्ड यूज किया जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर में हम फेवरेट को यूज करते हैं टू पुट साइट इन फेवरेट वी कैन हैव सेवरल मेथड्स आप बुकमार्क बनाने के कई तरीके हैं किसी को भी यूज करते हुए आप उसको अपने फेवरेट में ऐड कर सकते हैं क्लिक फेवरेट बटन फ्रॉम टूल बार क्लिक ऑन फेवरेट ऐड टू फेवरेट्स इन दोनों तरीकों से आप क्या कर सकते हो किसी भी पेज को किसी भी वेबसाइट को बुकमार्क कर सकते हो Closing your browser. आपने अपने को close करना है, बंद करना है तो आप कैसे करेंगे क्या कर सकते हो वहां से भी अपने ब्राउजर को क्लोज कर सकते हो एंड चूज क्लोज यू ऑल्सो कैन क्लोज द ब्राउजर बाय क्लिकिंग द्लोज बटन ऑन द टाइटल बार आपके टाइटल बार में यहाँ पे राइट साइड पे टाइटल बार में आपको दिखाई देता है वहां पे क्लोज का बटन नजर आ रहा होता है तीन बटन होते हैं तो क्लोज के बटन से आप क्या कर सकते हो अपने वेब ब्राउजर को क्लोज क्लोज कर सकते हो इट इट मे मे बी बी नेसेसरी नेसेसरी टू योर इंटरनेट कनेक्शन टू आप चाहो तो अपना इंटरनेट का कनेक्शन भी बंद कर सकते हो गेटिंग हेल्प विद योर ब्राउजर अगर आपको ब्राउजर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो आप क्या करते हो हेल्प का इस्तेमाल करते हो टू गेट हेल्प फ्रॉम योर ब्राउजर्स

जो वेब ब्राउजर है उसके ऊपर भी हेल्प की ऑप्शन अवेलेबल होती है तो अगर आपको कोई इशू आ रहा है किसी टॉपिक से रिलेटेड आपके ब्राउजर से रिलेटेड तो आपके पास वहाँ पे फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं टॉपिक्स होते हैं उसके अलावा कुछ मेथड्स पड़े होते हैं जिनके जरिए आपको सपोर्ट दी जाती है सर्च इंजन सर्च इंजन क्या होते हैं सर्च मीन टू फाइंड समथिंग यही होता है सर्च का मतलब क्या है तलाश करना किसी चीज को ढूंढना

उसके अगेंस्ट वो क्या करता है उससे रिलेटेड जो भी उसके पास आपके वेब सर्वर पे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उनको लेके आता है हमारे पास स्पाइडर वेब क्रॉलर ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो आपके सर्च इंजन यूज करते हैं स्पाइडर क्या करता है इट इज कॉल्ड स्पाइडर बिकॉज स्पाइडर विजिट मेनी वेबसाइट इन एट द सेम टाइम एंड विजिट डिफरेंट वेब स्पाइडर क्या है एक ऐसा कह के सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है तमाम वेबसाइट्स को एक ही वक्त में क्या कर रहा होता है विजिट कर रहा होता है और साथ साथ में वेब सर्वर्स को भी देख रहा होता है कि जहाँ पे ये सारी वेबसाइट यानी अगर आपने कोई की वर्ड दिया उससे रिलेटेड क्या कर रहा है वेबसाइट्स को जाके ढूंढ रहा है स्पाइडर सर्च वेब सर्वर इट सेंट्रल रेपोजिट्री वो कहता है जब स्पाइडर को क्या वेब सर्वर मिल जाता है उसकी सर्च में तो वो क्या कहता है

वेबसाइट आई है या इन्फॉर्मेशन आई है तो उसको भी क्या करते हैं अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है इस तरह सर्च इंजन क्या करते हैं आपके लिए सर्च का काम करते हैं और वो सॉफ्टवेयर कौन से यूज करते हैं स्पाइडर और वेब क्रॉलर के जरिए क्या कर रहे होते हैं ये सारी सर्चिंग कर रहे होते हैं कि किस तरह किसी वेबसाइट को ढूंढ के लाना है हाउ टू यूज एनी सर्च इंजन किसी भी सर्च इंजन को यूज करने का क्या तरीका है देर आर मेनी सर्च इंजन ऑन नेट लाइक गूगल या हो एंड पिंग

जब भी कोई वेबसाइट आप सर्च करते हो तो उससे रेलिवेंट डिफरेंट पेजेस वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है, यही कुछ है website, box, site, website, तो जितनी भी आपकी मेन वेबसाइट्स होती है जो कि अच्छी होती हैं वो आपके फ्रंट पेज पे आ रही होती है मल्टीपल पेजेस आपके पास एक ही टॉपिक से रिलेटेड आ रहे होते हैं कंबाइन सिलेक्शन क्राइटेरिया इन सर्च हम Uh, अपनी सर्चिंग में सिलेक्शन क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं विध सिंपल सर्च वी कैन गेट वराइटी ऑफ रिजल्ट वो कहता है जब आप सिंपल सर्च करते हो तो आपके पास वराइटी ऑफ रिजल्ट आते हैं वी कैन रिफाइन एंड नैरो हम क्या कर सकते हैं उनको और ज्यादा रिफाइन और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं तो यूज सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज बुलियन ऑपरेटर्स लाइक एंड और एंड नॉट तो अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज करें तो हम बुलियन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे पास तीन तरह के बुलियन ऑपरेटर्स हैं एंड और एंड नॉट इनके के जरिए हम क्या कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन जो सिलेक्शन है अपनी जो सर्च है उसको क्या कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं मसलन सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ एंड ऑपरेटर ओपन याहू सर्च इंजन आप गूगल का सर्च इंजन भी यूज कर सकते हैं क्या लिखेंगे आप राइट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन सर्च टेक्स्ट एरिया अब वो क्या करेगा देखो यहाँ पे आपने कौन सा ऑपरेटर यूज किया हुआ है एंड का ऑपरेटर यानी क्या करें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में चीज हमें सर्च करके लाके दे ऐसे डॉक्यूमेंट्स लाए जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो इट मीन शो वेब पेजेस कंटेन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चूंकि हमने यहाँ पे एंड का वर्ड यूज किया है इसका मतलब है कि इन दोनों वर्ड्स का आपके पेज में होना जरूरी है यानी ऐसा डॉक्यूमेंट लाए जिसमें हार्डवेयर भी हो और सॉफ्टवेयर के भी वर्ड्स हो ऑपरेटर एंड सर्च क्राइटेरिया क्या प्रिंटर एंड कलर यानी ऐसे वेब पेजेस ला के दो जहाँ पे आपके पास प्रिंटर और कलर दोनों वर्ड्स एक साथ वेब पेजेस में आ रहे हो इसको आपने जब सर्च किया तो इसका इफेक्ट क्या आया द सर्च इंजन लुक ओनली फॉर पेजेस दैट इंक्लूड इंक्लूड बोथ टर्म्स यानी वो ऐसे पेजेस को ढूंढ के लाएगा जिसमें इन दोनों टर्म्स का इस्तेमाल किया होगा एंड इग्नोर पेजेस दैट इंक्लूड ओनली वन ऑफ और वो तमाम पेजेस जिनमें अगर या तो प्रिंटर का वर्ड यूज हुआ है या कलर का वर्ड यूज हुआ है उनको इग्नोर कर देगा और कौन से पेजेस लेके आएगा जिनमें दोनों लफ्जों का इस्तेमाल किया होगा सिर्फ वो पेजेस आपको शो कराएगा अब हम दूसरा ऑपरेटर देखते हैं जो कि है और ऑपरेटर राइट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन सर्च टेक्स्ट एरिया अब आपने गूगल के सर्चिंग एरिया में टेक्स्ट एरिया में क्या टाइप किया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इट्स मीन शो पेजेस विच कंटेन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वर्ड वो कह रहा है आपको वो कौन से पेजेस दिखाएगा जिनमें या तो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो ऑपरेटर और सर्च क्राइटेरिया प्रिंटर और कलर यानी आपने क्राइटेरिया दे दिया इसका इफेक्ट क्या आएगा द सर्च इंजन लुक्स फॉर पेजेस दैट इंक्लूड आइदर और बोथ ऑफ दी टर्म्स यानी वो क्या करेगा जब आपके पास वेब पेजेस लाएगा तो वो ऐसे वेब पेजेस लाएगा जिनमें या तो कोई एक टर्म हो या दोनों टर्म्स भी हो तो वो उन पेजेस को आपके सामने ले आएगा यूज नॉट ऑपरेटर ये हमारे पास क्या है थर्ड ऑपरेटर है राइट हार्डवेयर नॉट नॉट सॉफ्टवेयर इन सर्च टेक्सट एरिया एरिया में आपने कार्डवेयर नॉट सॉफ्टवेयर यानी हमें हार्डवेयर चाहिए लेकिन सॉफ्टवेयर का वर्ड ना हो इट्स मीनि वर्ड यानी वो ऐसे जिसमें सिर्फ क्या हो हार्डवेयर का वर्ड हो क्योंकि हमने उससे लिख दिया है कि नॉट सॉफ्टवेयर नोट राइट बिलियन ऑपरेटर्स इन कैपिटल वो कह रहा है कि जब भी आपने ऑपरेटर बिलियन ऑपरेटर्स यूज करने है तो उन्हें हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखना है ऑपरेटर नॉट यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है

जो सर्च इंजन्स है उनकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है मामा है और डॉग पाइल है ये क्या है आपके सर्च इंजन्स है जो कि मल्टीपल सर्च इंजन को यूज कर रहे थे किसी भी वेबसाइट को ढूंढने के लिए

आपका आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं आप वेब ब्राउजर खुला हुआ है आपने वेबसाइट सर्च कर रहे हैं लेकिन आपका नेट क्या होता है डाउन हो जाता है देन फिर थोड़ी देर के बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन आ जाता है तो फिर आपके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं आई जितनी देर आप उस टाइम में आपका इंटरनेट डाउन रहा तो आप क्या करते हो अपने पेज को रिफ्रेश करते हो ताकि जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको पेज पे नजर आए जैसे आपने कोई ईमेल अपनी इनबॉक्स खोला हुआ है तो आधा पौना घंटा आप नहीं आ, इंटरनेट से कनेक्टेड रहे तो हो सकता है उस अरसे में आपको कोई ईमेल आ गई हो तो आप क्या करोगे, अपने को refresh करोगे. Refresh दिखा देगा option, इसके लिए हमें दोबारा से यू आर डालने की जरूरत नहीं बस हम जब जस्ट uh, रिफ्रेश का बटन प्रेस करेंगे और आपका पेज क्या हो जाएगा रिफ्रेश हो जाएगा वी कैन रिफ्रेश थ्री बेस हम किसी भी हम रिफ्रेश पेज किसी भी पेज को रिफ्रेश तीन तरह से कर सकते हैं पहले या तो आप प्रेस एफ की कर दें की से दूसरा तरीका क्या है रिफ्रेश बटन को प्रेस कर दें तीसरा ऑप्शन क्लिक व्यू में जाके रिफ्रेश कर दें तो भी आपका वेब पेज क्या होगा रिफ्रेश हो जाएगा डाउनलोड टेक्स्ट फाइल इमेज डाउनलोडिंग इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर टू यूजर कंप्यूटर यानी डाउनलोडिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो किसी फाइल को क्या करते हो रिमोट कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पे ट्रांसफर करते हो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डाउनलोडिंग कहते हैं डाउनलोडिंग इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर टू यूजर कंप्यूटर टू डाउनलोड अ फाइल किसी भी फाइल को डाउनलोड करने के ग्रुक्वर्णारी लिए <ख़णारी धाए> आपको तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आप क्या करेंगे फाइल राइट ऑफ टारगेट के एस पे जाके इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे यू कैन आल्सो सेव एन इमेज इन द सेम वे एस फाइल बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने फाइल को सेव किया आप किसी इमेज को भी सेव कर सकते प्रिंटिंग वेब पेज अगर आपने किसी वेब पेज का प्रिंट लेना है तो आप क्या करेंगे तो आप अगर किसी वेब पेज का प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे टू प्रिंट अ वेब पेज आप फाइल की ऑप्शन में जाके प्रिंट पे को प्रेस करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं किसी भी वेब पेज का प्रिंट ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मेल का कॉन्सेप्ट क्या है इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज लेटर एज वेज ऑफ कम्युनिकेशन

और अगर जैसे लाहौर से किसी ने कराची खत भेजा है तो तकरीबन पाँच छः सात दिन लग जाते थे जबकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई आपके पास कम्युनिकेशन के वेज चेंज होते चले गए तो अब आप जब पहले खत का जमाना था फिर टेलीग्राम शुरू हुआ फिर आप फैक्स करते थे फिर आप टेलीफोन पे बात कर लेते थे अब हमारे जमाने में ईमेल आ गई ईमेल मेल इज एप्रीबन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल क्या है आपके क्ट्रॉनिक मेल की हेल्प ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अराउंड दर्ल्ड ई मेल की मदद से हम क्या करते हैं पूरी दुनिया में अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं ओनली डिफरेंस बिटवीन ई मेल एंड अदर लेटर इज दैट इज रिटन थ्रू की बोर्ड एंड सेंड थ्रू इंटरनेट लेटर इज रिटन बाई हैं इट इज द फास्टस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन लेटर खत भेजने में और ईमेल में डिफरेंस क्या था खत में आप हाथ से खत लिखा करते थे यही था और उसे फिर करीबी लेटर बॉक्स में पोस्ट ऑफिस में डाल दिया करते थे मगर दिन लगते थे उसको पहुँचने में मगर ई का क्या है ई के लिए आपको क्या है से आपने टाइप करना है और इंटरनेट को यूज करते हुए आपने उस ईमेल को भेजना होता है ये फास्टेस्ट वे है कि आपने जैसे आपको दुबई में बैठा है या कोई यूरोप में है कहीं भी, भी कोई है तो आप क्या करते हैं जस्ट आपने सेंड का बटन प्रेस किया विद इन फ्यू सेकंड्स में आपकी जो ईमेल होती है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है लेकिन अगर यही काम आप कन्वेंशनल लेटर बॉक्स के जरिए करते हैं तो उसमें आपको कई वीक लग जाते हैं अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ईमेल इट इज लाइक रेगुलर मेल जस्ट विद अ स्मॉल डिफरेंस दैट यू नीड कंप्यूटर टू रीड राइट और सेंड ईमेल यही बात है डिफरेंस क्या है कि आपको अगर ईमेल लिखनी है आपको ईमेल पढ़नी है आपको ईमेल सेंड करनी है तो आपको कंप्यूटर और इंटरनेट की जरूरत होती है इट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल हु आर एट डिस्टेंस आमतौर हुए ये कहाँ पे यूज किया जाता है जब लोग एक दूसरे से दूर दूर होते हैं दूर ना भी हो तो भी आपको ये मैसेज भेजने का एक आसान जरिया है इट्स डिलीवरी इज फास्टर सेफर देन रेगुलर मेल प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज वेरी लो एंड इट कैन बी व्यूड फ्रॉम एनीर इन द वर्ल्ड एज इट डिसाइड्स ऑन इंटरनेट देखो अगर आपने खत डाला हो सकता है पोस्ट ऑफिस में आपका खत आपने दाखने में डाला है लेकिन हो सकता है वहां से वो खत गुम हो जाए या तो कुछ भी हो कि आपका खत आपके डेस्टिनेशन पे ना पहुंचे लेकिन जब आप ईमेल का इस्तेमाल करते हो तो आपके जो इसके ना पहुँचने के चांसेस हैं वो ना होने के बराबर होते हैं क्यों जैसे आपने सेंड किया बटन प्रेस किया आपकी ईमेल कुछ सेकंड्स में दूसरे एंड पे पहुंच जाती है और इसके अलावा ख़त आपको एक शहर में मिलते हैं जबकि ई आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ के बस आपके पास के आपका ईमेल अकाउंट है आप उसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं कहीं पे भी बैठे हैं किसी भी टाइम बैठे हैं आप अपने ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं ईमेल एड्रेसेस यूज्ड टू सेंड ईमेल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर जिस तरह आपको खत भेजने के लिए किसी के एड्रेस की जरूरत होती थी बिल्कुल इसी तरह ई भेजने के लिए आपको ई एड्रेस की जरूरत होती है इनफो यूएस डॉट ई डी यू डॉट पी के इज एन ई मेल एड्रेस टू सेंड ई मेल टू यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट। अगर आपको कोई इनफॉर्मेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो ये क्या यूनिवर्सिटी का एक ई मेल है इसी तरह हर इंसान का एक ई मेल आई डी होता है लाजमी नहीं हर इंसान का यानी जो इंटरनेट यूज़ करता है जो ई मेल सेंटर रिसीव करता है उसका कोई ई मेल आई डी होगा जिसके जरिए आप उसको अपनी ई मेल सेंड वो अपनी ई मेल्स को सेंडर रिसीव करता होगा ये क्या है डिफरेंट समझ ले दुनिया के किसी हिस्से में लोग बैठे हैं आप पहले खत लिखा करते थे अब कंप्यूटर का जमाना है आप ई लिखेंगे इसके लिए ई करने के लिए आपके कंप्यूटर कंप्यूटर को के साथ इंटरनेट होना चाहिए इंटरनेट है ये आपका कोई सर्वर है जिसके ऊपर क्या है मेल सर्वर है जिस, जो कि सारी ईमेल्स को रिसीव कर रहा है और देन किसी दूसरे कोने में जो कोई कंप्यूटर है और जिसके लिए वो ईमेल आई है वो उसको वो ट्रांसफर कर रहा है ईमेल क्लाइंट ईमेल क्लाइंट इज सॉफ्टवेर टू read email. रीड can access यू कैन एक्सेस योर in the world. All you need is email एंड पासवर्ड password provided. Email क्लाइंट क्या है आपका सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप क्या करते हो ईमेल को कंपोज करते हो आपने सेंड करना है या रिसीव करना है उसके लिए आपके पास ईमेल क्लाइंट का होना जरूरी है आप दुनिया में कहीं भी बैठ के ई को एक्सेस कर सकते हो बस आपके पास होना क्या चाहिए आपका ईमेल आईडी होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए

सम फेमस ई मेल क्लाइंट्स आर एम एस आउटलुक न्यू मेल लोटस नोट वगैरह ये क्या है आपके फेमस ई मेल क्लाइंट्स हैं इसके अलावा जो आजकल यूज होने वाले हैं पॉपुलर ई मेल क्लाइंट्स वो जी मेल हॉट मेल याहू मेल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है हम जी मेल को यूज करते हुए आज से दस साल पहले बहुत ज्यादा हॉट मेल का इस्तेमाल था फिर हॉट मेल को रिप्लेस किया याहू मेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया अब बहुत कम लोग हैं जो हॉट मेल और याहू को यूज करते हैं मेजोरिटी अब जी मेल को ज्यादा इस्तेमाल करती है तो जी मेल को यूज करते हुए आप लोग अपनी ई मेल्स को सेंड और रिसीव करते हैं एस एम टी पी एंड पॉप थ्री ये दोनों प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि आपकी मेलिंग में यूज होते हैं यानी आपने किसी भी मेल को सेंड करना है या रिसीव करना है तो उन दोनों कामों के लिए आप इन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हो सबसे पहले हम देखते हैं एस एम टी पी एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड यूज मैसेजेस ये क्या एक सिंपल सा प्रोटोकॉल है जो कि किस लिए इस्तेमाल होता है आपके ईमेल मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने के लिए पॉप 3 इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड यूज्ड टू रिसीव ईमेल मैसेजेस ये क्या ये भी आपका एक प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल को रिसीव करने के लिए जो मैसेज आपके पास आया है उसको रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है ईमेल क्लाइंट इंटरेक्ट विद पॉप 3 सर्वर टू डिस्कवर एंड डाउनलोड न्यू ईमेल मैसेजेस आपका ईमेल क्लाइंट क्या करता है आपके पॉप 3 सर्वर के साथ इंटरैक्ट करता है कि कोई अगर नया ईमेल मैसेज आया है तो वो उसको क्या कर सके डाउनलोड कर सके दोनों क्या है? प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपकी ईमेल सर्विसेज में इस्तेमाल होता है आपके किसी भी ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए हाउ ई मेल वर्क काम कैसे करती है सबसे पहले फर्स्ट यू अ मेल एंड इट मैसेज सेंड टू योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ई मेल सर्वर मैसेज सॉर्टेड इन रेसिपियंट ई मेल

उसमें अपना पासवर्ड देगा देन उसका लॉग हो जाएगा और वो फिर क्या करता है कर सकता है उस ई को वहां से पढ़ सकता है ईमेल ईमेल सिस्टम यूजिंग क्लाइंट्स एंड पॉप स्टेप टू सेंड मैसेजेस अगर आपने कोई भी ई मेल सेंड करनी है तो उसके क्या स्टेप्स हैं नंबर वन मैसेजेस प्रिपेयर ई मेल क्लाइंट आप अपने क्लाइंट को यूज करते हुए सबसे पहले मैसेज लिखोगे फिर क्या करोगे ई मेल क्लाइंट सेंटेड टू एस एम टी पी सर्वर

द स्ट्रक्चर ऑफ ई मेल एड्रेस हर ई मेल एड्रेस का का जो स्ट्रक्चर है उसकी अंडरस्टैंडिंग हम देखते हैं कि किस तरह यानी एक ई मेल कितने पार्ट्स हैं ठीक है उस चीज को हम समझते हैं कि ई मेल एड्रेस को किस तरह कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया एवर वी सेंड एनी ई मेल वी शुड नो द एड्रेस ऑफ रेसिपियंट देखो अगर आपने किसी को ई मेल भेजनी है तो जाहिर सी बात है आपको दूसरे का एड्रेस पता होगा तो आप किसी को ई मेल भेज सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ई मेल एड्रेस ई मेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट ईमेल के कितने हिस्से हैं सबसे पहले ई मेल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया वो कह रहा है इन दो हिस्सों को आप किसके जरिए सेपरेट किया सेपरेटेड बाय एट एट सिंबल सिंबल यानी के एक तरफ एक तरफ हिस्सा है और दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा है फर्स्ट पार्ट आइडेंटिफाई द नेम ऑफ यूजर अकाउंट जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या शो करता है आपके यूजर के अकाउंट का नाम आइडेंटिफाई कर रहा होता है एंड सेकेंड पार्ट ऑफ पर्सन अकाउंट ऑन इंटरनेट लाइक डॉट कॉम जबकि दूसरा पार्ट क्या कर रहा होता है उस अकाउंट को शो कर रहा होता है जो उसने किसी वेबसाइट पे बनाया हुआ है जैसे कि आपका अवेस ये क्या आपके नाम को शो कर रहा है ऐड क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है दो हिस्सों में आपके ईमेल आई को दूसरा हिस्सा क्या कर रहा है कि याहू पे इसका अकाउंट है अब जैसे मेरा अकाउंट जैसे मैं कहूँ मेरा अकाउंट है तहसीन .gmail. तो यानी जी आपका बता रहा है कि आपका अकाउंट कहाँ पे है और फर्स्ट पार्ट बता रहा है आपके नाम को आइडेंटिफाई कर रहा है तो इस तरह हमने देखा कि आपके ईमेल एड्रेस के दो हिस्से हैं एक ऐड के एक तरफ दूसरा ऐड के दूसरी तरफ ये था आज का लेक्चर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में काफी क्लैरिटी हो गई होगी लेकिन मैं कह रही हूँ बंद करने से पहले आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ जो हमने इंटरनेट की कुछ चीज़ें देखी थी वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ देन आप लोग लोगों को खुदाफिज कहूंगी जी सबसे पहले हम करते हैं इंटरनेट पे जाते हैं हमने आज देखा कि हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले हमने एक्सप्लोरर को खोला एक्सप्लोरर में हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं मैंने आपको कहा था कि अगर आपने अपनी फाइल को क्लोज करना हो ये देखें क्लोज का ये बटन यहाँ पे जाके आप क्लोज कर सकते हैं आप रिस्टोर डाउन अपने ब्राउजर के साइज को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे रिस्टोर डाउन करेंगे तो आप वेब इसके साइज को चेंज कर सकते हैं ये देखें इधर से किया ड्रैग किया जितना बड़ा करना है कर लें इस तरह हमने अपने ब्राउजर के साइज को चेंज कर लिया ये साथ में मिनिमाइज का बटन नजर आ रहा है मिनिमाइज के जरिए आपने मिनिमाइज किया आपके आपका जो पेज था वो मिनिमाइज हो गया टास्क बार में जाके आप जब उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो स्क्रीन आपकी मैक्सिमाइज हो जाएगी इसके बाद हमने देखा था स्टॉप और ये बैकवर्ड और ये लास्ट लेक्चर में देखा था फाइल फाइल में भी मैंने आपको कहा था क्लोज की ऑप्शन है ये देखें क्लोज क्लोज करेंगे तो जो आपके पेज का पेज में अगर मल्टीपल टैप्स हैं तो एक टैप क्लोज हो जाएगा इसके बाद हमने देखा था कि अगर आपने कोई न्यू टैप करना है चाहे आप न्यू टैप नया टैप खोलना चाहते हैं इस टैप को भी यूज कर सकते हैं अदरवाइज फाइल में भी जाकर ये देखो न्यू टैब की ऑप्शन दिखाई दे रही है न्यू न्यू टैब या विंडो किसी नई विंडो में आप नई विंडो खोलना चाहते हैं ब्राउजर की तो वो नई विंडो भी खोल देगा इसके बाद अगर आपने प्रिंट लेना है तो हमने कहा था फाइल में जाएं और प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो आप प्रिंट ले सकते हैं इसके बाद हमने देखा था कि अगर आप कोई बुक मार्क एड करना चाहते हैं उस, जो वेबसाइट है उसको फेवरेट में ऐड करना चाहते हैं तो उसके हमारे पास दो तरीके थे एक तरीका ये था

और यहाँ पे इसे जाके ऐड कर लें हमने ऐड नहीं करना तो हम इसे कैंसिल कर देंगे तो आप इस तरह अपने जो आपकी फेवरेट वेबसाइट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं इसके अलावा आपके पास हेल्प की ऑप्शन अवेलेबल है चाहे आपकी बोर्ड से एफ़ वन प्रेस कर लें या हेल्प पे जाएं तो आपके पास क्या होगा हेल्प का मेन्यू खुल जाएगा इसके ज़रिए अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है अपने वेब ब्राउज़र से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो वो आपको इसकी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो इस तरह हम हेल्प की ऑप्शन भी यूज कर लेते हैं इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे आपकी यह हमारी क्या होती है बेसिकली एड्रेस बार होती है जिसमें हम वेब एड्रेस टाइप करते हैं यूडल टाइप करते हैं रिफ्रेश का बटन रिफ्रेश भी हमने कहा था क्या या तो आप की से एफ प्रेस कर लें या ये देखें यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है रिफ्रेश इसे रिफ्रेश करेंगे तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा अगर आप कोई वेबसाइट खोलना चाहते हैं और आप कहते हैं ओ, ये तो मैंने गलत कर दिया तो यहाँ पे स्टॉप का साइन आ रहा होता है इसकी जगह रिफ्रेश की जगह पे तो आप इसे स्टॉप भी कर सकते हैं हमने बात की थी कि ये प्रोटोकॉल यूज कर रहा होता है एच ठीक है ये गूगल है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एच लेकिन ये साथ में एस पी साइन शो कर रहा है इसका क्या मतलब है इट्स अ सिक्योर वेबसाइट ठीक है सिक्योरिटी किस तरह शो हो रही है ये आपको लॉक साइन नजर आ रहा है तो वो कह रहा है सिक्योरिटी रिपोर्ट तो ये आपकी एक सिक्योर वेबसाइट है एच टी टी पी हाइपोटे ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस फॉर सिक्योर आपने मल्टीपल वेबसाइट्स खोली तो ये देखो शो एड्रेस बार एड्रेस बार में आपके पास जो भी आपने वेबसाइट्स खोली होती है आ रही होती है तो आप इनको डायरेक्ट भी यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं लाइक like गूगल नहीं यूज करनी आपको बिंग खोलना है विंग खोल लें जी मेल खोलना है जीमेल खोल इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं और हम क्या देख सकते हैं हाँ होम पेज की बात की थी आपने मल्टीपल वेब पेजेस खोले हुए आप उस वेबसाइट के किसी अंदर किसी पेज पर आप उसके होम पेज पे जाना चाहते हैं तो होम के इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप होम में चले जाएंगे या आपके पास टूल्स का ऑप्शन है टूल्स के ऑप्शन में आपने अपने इसके साइज़ को बड़ा करना है ये देखो अभी कितना है हंड्रेड है मैं वन फिफ्टी करूँ आपका पेज साइज़ लार्ज हो गया सोमिन so हो गया ठीक है इस तरह हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं टूल्स में आपके पास अगेन प्रिंट की ऑप्शन भी आ रही है यहाँ से आप यू यूज कर सकते हैं जो भी चीजें आपने डाउनलोड की हैं कोई गाने डाउनलोड किए उन्हें आप देखना चाहते हैं कहाँ पढ़ी है तो आप व्यू डाउनलोड में भी जाके देख सकते हैं इधर इंटरनेट ऑप्शन की एक ऑप्शन आ रही है इसे भी हम अभी देखते हैं ये देखें टूल्स की मेन्यू बार में भी टूल्स आपके पड़े हुए हैं व्यू में जाओ व्यू में जाके आपने जूम पेज का साइज जूम इन करना है जूम आउट करना है ये सारे आपके पास ऑप्शन पहले भी टूल्स में देखे थे इनको आप चेंज कर सकते हैं इसी तरह आप वेबसाइट पे टेक्स का साइज चेंज करना चाहते हैं इस वक्त हमारे जो पेज वेब ब्राउजर पे टेक्स का साइज मीडियम है आप इसे चेंज करना चाहते हैं लार्जर करना चाहते हैं लार्जेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप करें करके देखें आपको जो साइज है वो डिफरेंट नजर आएगा टेक्स्ट का इसके बाद हम फिर व्यू में ही जाते हैं और देखते हैं और क्या कर सकते हैं आपने सर्चिंग को स्टॉप करना है स्टॉप कर सकते हैं स्किप को बटन भी आप कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं रिफ्रेश के लिए वो कह रहा है यहाँ से व्यू से भी जाके आप रिफ्रेश को यूज कर सकते हैं टेक्स साइज चेंज करना है जूम साइज चेंज करना है इसके अलावा आपने और क्या चीज़ करें फुल स्क्रीन करनी है ये चीज़ें आप देख सकते हैं एडिट के ऑप्शन में कुछ खास नहीं चलने छोड़े फेवरेट में हमने फेवरेट को देख लिया मैंने ये देखे कितनी सारी वेबसाइट्स को अपने फेवरेट में ऐड किया हुआ था इस तरह आप भी डिफरेंट साइट्स को ऐड कर सकते हैं टूल्स में अगर हम जाए तो मैंने आपको कहा था इंटरनेट ऑप्शन पे हम बात करेंगे तो इंटरनेट ऑप्शन पे हम जाके देखते हैं इंटरनेट ऑप्शन पे अगर आप जैसी वेब ब्राउजर खोलें तो पहले मेरा एमएसएन था तो मैंने जाके क्या किया ये देखो आपको दिखा रहा है यूज करंट यानी जो भी आप खोलोगे वेब पेज तो आपको पहले जो नजर आएगा वो गूगल की साइट नजर आएगी अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो यूज न्यू टैप में जाओगे और यहाँ पे जाके जो भी आप फीड करोगे जो भी लिखोगे फिर जब आप नेक्स्ट एक दफा ब्राउजर को क्लोज करोगे नेक्स्ट टाइम जो भी आप वेबसाइट का एड्रेस दोगे वो वेबसाइट आपको बाय डिफॉल्ट नज़र आया करेगी इस तरह आप क्या कर सकते हो इसके जो डिफॉल्ट पेज है उसको चेंज कर सकते हो इसके अलावा हिस्ट्री है ब्राउजिंग हिस्ट्री अगर एक दिन में आपने सो को सर्च किया आप चाहते हो कि उस, उसकी हिस्ट्री ना आ रहा है तो आप क्या करो ये डिलीट हिस्ट्री की ऑप्शन को चेक कर लो तो वो क्या करेगा जब भी आप बंद करोगे करोगे अपना ब्राउजर तो वो आपकी हिस्ट्री को डिलीट कर देगा वरना अगर हम जाएं इसकी सेटिंग्स पे देखो डिलीट पे वो कहता है क्या क्या डिलीट करूं मैं टेम्पररी फाइल्स करूं हिस्ट्री कुकीज जो चीजें बाय डिफॉल्ट सेट है सेट रहने दो फॉर्म डेटा जैसे अगर आपने कोई किसी फॉर्म को ऑनलाइन फिल किया अगर वो भी इंफॉर्मेशन वो पासवर्ड अक्सर आपसे पूछता है कि ये पासवर्ड सेव कर लूँ तो अगर आपने डिलीट नहीं चेक किया वो तो सेव नहीं करेगा और अगर आप चेक करोगे तो वो भी उनको भी डिलीट कर देगा तो डिपेंड करता है आपने क्या क्या डिलीट करना है मैंने कैंसिल कर दिया सेटिंग्स पे जाते हैं सेटिंग्स पे हिस्ट्री की ऑप्शन आ रही है वो कह रहा है स्पेसिफाई हाउ मेनी डेज इंटरनेट एक्सप्लोरर शुड सेव द लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स यू हैव विजिटेड तरह कितने दिन वो आपकी हिस्ट्री मेंटेन रखे जो साइट्स आपने विजिट किए देश टू की, की पेजेस इन हिस्ट्री वो 20 दिन तक क्या करेगा पेजेस को अपनी हिस्ट्री में रखेगा देन वो क्या करेगा डिलीट कर देगा अगर आप वन डे रखोगे तो एक दिन के बाद सारी हिस्ट्री ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा अगर आप साथ साथ करना चाहते तो इसे चेक करो तो साथ साथ आप जैसे ही आप एग्जिट किया करोगे अपने ब्राउजर को हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं अगर आप इसे नहीं करोगे तो फिर अगर दस लोग कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो जिसने जो जो वेबसाइट खोली होगी आप हिस्ट्री में जाके वो सारी चीजें देख सकते हो हिस्ट्री में जाने के लिए ये देखो फेवरेट्स में ही आपके पास ये हिस्ट्री की ऑप्शन आती है फीड्स हिस्ट्री हिस्ट्री में गए क्या क्या चीजें खोली आई सी टी अटेंडेंस खोली ये सारी चीजें मैंने बिंक की साइट खोली गूगल की साइट खोली या की साइट खोली जी की साइट खोली उसने मुझे सारी बता दी कि आपने आज यही काम किया था तो आप इस तरह किसी की अपनी कंप्यूटर की हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं इसके अलावा जो चीज भी आपने हमने का कीवर्ड में टेक्स्ट एरिया ये है गूगल का आपके सर्च इंजन का आप लिखोगे जैसे कि मैं लिखती हूँ डेटा लिख देती हूँ तो इसको मैं सर्च करूंगी तो इससे रिलेटेड वो आपको सारे जो पेजेस हैं वो आपको यहाँ पे शो करा देगा तो आप इसमें एंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं ये देखें इस पर डाटा के वर्ड पे कितनी सारी वेबसाइट्स बनी हैं। जो important, है जो इंपॉर्टेंट अहम वेबसाइट्स होती हैं कैटेगरी में ऊपर होती हैं वो फर्स्ट पेज पे होती हैं देन आप टू सेकंड थर्ड फोर्थ पे चेक कर सकते हो इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास और इन्फॉर्मेशन आती है वो कहता है अबाउट इतने लैख रिजल्ट इसके पास हैं ये देख लें कितने रिजल्ट ये तो से भी नहीं पता नहीं बिलियंस में है और कितनी देर लगी उसे ये रिजल्ट सर्च करने में जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स सेकेंड्स लगे इसके अलावा अगर आप इमेजेस को देखना चाहते हैं वीडियोस पे चाहते हैं तो आप इन पे जाके भी इनको एक्सेस करते हैं तो जो ये था आज का लेक्चर और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आप लोगों को भी पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाया आप लोग भी कीजिएगा आपको समझ आ जाएगा थैंक यू अल्लाह